Perfect. Hello everyone. So, आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वो है कार के अंदर सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम को इंस्टॉल कराने के ऊपर। और मेरी जो कार है इसके अंदर मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग आती है, यानी अगर मैं ड्राइवर साइड से अपनी डोर्स को लॉक करूंगा तो चारों डोर्स हैं वो लॉक हो जाएंगे, और ड्राइवर साइड से अगर मैं अनलॉक करूंगा चारों डोर्स मेरे अनलॉक हो जाएंगे। मैं आपको एक बार डेमोंस्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ। सो गाइस, अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जो इस साइड मेरा, जहाँ मेरा हाथ है, ये है हमारा ड्राइवर साइड का डोर, और जो पीछे आपको विजिबल होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये अपना है रियर पैसेंजर साइड का डोर, राइट साइड का। तो जब मैं इसको लॉक करूँगा तो आपको उसकी पोजीशन से पता चल जाएगा कि हमारे डोर्स जो हैं वो लॉक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये देखिए, अब मैंने इसको लॉक प्रेस करा, ये देखिए हमारे सारे डोर्स जो हैं वो लॉक हो चुके हैं इस पोजीशन में। और जैसे ही मैं इसको अनलॉक करूँगा, इसको खींचूँगा बाहर, तो हमारे सारे डोर्स अनलॉक हो जाएंगे। तो यानी इसका मतलब है जो हमारी कार है उसके अंदर मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग आती है। सो गाइस, मार्केट के अंदर काफ़ी सारे ब्रांड्स आते हैं रिमोट सेंट्रल लॉकिंग को इंस्टॉल करने के लिए। अब उनमें से कुछ रिनाउंड ब्रांड के मैं आपको नाम बता देता हूँ। सबसे पहला जो मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है, जो कि मार्केट में काफ़ी सालों से है और काफ़ी पॉपुलर भी है इस टाइम पे, उसका नाम है RD। RD ब्रांड का क्या है कि इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है, और साथ ही साथ लोगों के जो मैंने रिव्यू सुने हैं, और साथ ही साथ मेरे जो क्लोज रिलेटिव्स हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी अपनी कार के अंदर इंस्टॉल करा रखी है, तो उन्होंने भी इसका रिव्यू अच्छा ही दिया है, पॉजिटिव ही दिया है उसके अंदर। और साथ ही साथ अगर कोई आपकी प्रॉब्लम भी अगर 1% आ जाती है, क्योंकि मैकेनिकल पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं, इनके अंदर छोटा मोटा इशू कभी कभार आ जाता है, तो अगर इशू आ भी जाता है तो इसके अंदर आपको 3 ईयर्स की वारंटी मिलती है। उसके अंदर आपकी होम सर्विस होती है, तो आपका जो टेक्नीशियन है वो घर पे आएगा और आपके प्रोडक्ट को रिपेयर करके जाएगा, या फिर उसके अंदर जो भी रिप्लेसमेंट होगा वो रिप्लेसमेंट करके जाएगा। और भी इसके अलावा काफ़ी सारे ब्रांड्स आते हैं, और आपकी जो सेकंड आ जाती है, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है, RD तो है रिलायबल, लेकिन इसको आप और भी ज़्यादा रिलायबल कह सकते हो, जो कि है अपनी निपॉन की सेंट्रल लॉकिंग, जो कि आपकी मारुति सुजुकी ऑफिशियली प्रोवाइड करती है आपको एज ए जेन्युइन एक्सेसरी। तो गाइस, अब मैं आपको सीधा लेके चल रहा हूँ इंस्टॉलेशन वाले पार्ट पे। और हाँ, दूसरी बात ये कि मैंने इसको कहाँ से इंस्टॉल करा है। मैं करंटली रहता हूँ फरीदाबाद के अंदर, और मैंने इसको जो इंस्टॉल कराया है वो है हिमालय कार एसेसरीज, सेक्टर 28 फरीदाबाद, मारुति सुजुकी अरीना के जस्ट साइड में। तो ये क्या है, ये जो शॉप है, इसकी मैं जो डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, या फिर जो गूगल मैप की लोकेशन है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। और इन द एंड मैं आपको इसके अंदर प्राइस तो डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि प्राइस है डीलर टू डीलर वेरी करता है, और जो प्राइस है उसका वो भी ऑलमोस्ट हर मंथ चेंज होता रहता है, क्योंकि ये एक प्रोडक्ट ऐसा है इसकी प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है मार्केट के अंदर। तो प्राइस अगर आपको पूछनी है तो आप इन शॉप के जो ओनर हैं उनसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं। तो गाइस, इंस्टॉलेशन वाले पार्ट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारी कार के अंदर सेंट्रल लॉकिंग किट का इंस्टॉलेशन हुआ है, वो RD के जो ऑफिशियल टेक्नीशियन है, RD ब्रांड की तरफ से ही टेक्नीशियन आते हैं, उन्होंने ही उसका इंस्टॉलेशन करा है। तो उन्होंने जो भी इंस्टॉलेशन करा है सारा कपलर टू कपलर करा है, जहाँ वायर को स्लाइस करने की जरूरत थी उन्होंने स्लाइस भी करा है, क्योंकि मेरी कार के अंदर एज सच वारंटी का इशू नहीं, तो मैंने उनसे कहा था आप वायर को स्लाइस कर दो, लेकिन अगर किसी कस्टमर की कार के अंदर वारंटी है तो वो उसके अंदर स्कॉच क्लिप्स का यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें वायर कटिंग का या वायर स्लाइस होने का कोई इशू नहीं आता है। वो कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है, आप कैसे अपनी कार के साथ कंफर्टेबल हैं, वारंटी का इशू है या नहीं है, वो उस तरीके से आप अपनी कार के अंदर इंस्टॉल करा सकते हैं। तो चलिए, अब हम इंस्टॉलेशन वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं।
तो आप लोग देख सकते हैं अभी हमारी कार जो है वो लॉक पोजीशन के अंदर है, तो इसे अनलॉक करने के लिए मैं इसको एक बार प्रेस करूँगा, तो इसने दो बार बीप दिया, ये देखिए हमारी कार अनलॉक हो गई। और अगर कोई भी गेट खुला होगा तो इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो फ्लैश करेंगे, ये देखो। लेकिन ये सिर्फ 10 टू 12 टाइम्स फ्लैश करेंगे, लेकिन अगर आपका गेट तब भी खुला रहता तो ये फ्लैश करना बंद कर देंगे। उसी तरीके से मैं गाड़ी को लॉक कर दूंगा, ये देख सकते हैं ये लॉक हो गई। अब जो बाकी के फीचर्स हैं उनको समझाने के लिए मैं आपको कार के अंदर ले चलता हूँ। तो अब मैं आपको अपनी कार की जो की है उसको मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो कुछ ऐसी ये की है, क्रोम का फिनिश है इसके अंदर और की दिखने में काफ़ी स्टाइलिश है। इसके अंदर चार बटन्स हैं, देखो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये बटन है जिसपे मेरा थंब है, ये तो है आपका लॉक के लिए, ये आपका अनलॉक के लिए, ये आपका म्यूट करने के लिए। इस पर बूट लिखा है, लेकिन बूट का फंक्शन जैसे कि हमारी कार के अंदर नहीं है, तो ये बटन हमारा सायरन के लिए होगा। अगर आपकी कार मान लो कहीं पार्किंग में खड़ी है, आप उसको लोकेट करना चाहते हैं, तो आप इस बटन पे क्लिक कर दें और आपकी कार जो है बीप करेगी, साथ ही साथ उसके जो इंडिकेटर्स हैं चारों वो भी फ्लैश करेंगे। सो गाइस ये अपनी कार की कुछ की रहने वाली है। जैसे ही हम अपनी कार को स्टार्ट करेंगे तो हमारे जो सारे डोर्स हैं वो ऑलमोस्ट 10 टू 15 सेकंड्स के बाद ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए कार अभी स्टार्ट पोजीशन में है और आप लोग इधर फंक्शन फोकस करें थोड़ा सा, ये देखिए ये डोर सारे लॉक हो गए। अब एक नेक्स्ट फीचर है कि जैसे ही मैं अपनी कार को ऑफ करूंगा ये सारे डोर्स अनलॉक हो जाएंगे, उसके लिए भी आप यहाँ फोकस करें, ये देखिए। अब देखिए जैसे ही मैं अपनी कार के डोर को ओपन करूंगा इंडिकेटर्स फ्लैश करेंगे, ये देखिए थोड़ा सा मैं फोकस कर देता हूँ, ये देखिए। एक और नेक्स्ट फीचर, अगर आपकी कार का कोई डोर खुला रह जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, और अगर इस पोजीशन में अपनी कार को लॉक करेंगे तो वो तीन बीप देगी, ये देखिए। अब लेकिन मैं इसको अनलॉक करके दोबारा लॉक करूंगा तो ये आराम से लॉक देगी। सो गाइस लास्ट फीचर है अपना ये साइलेंट बटन। तो साइलेंट बटन का फीचर कब काम आता है, जैसे आप फॉर एग्जांपल किसी ऐसे एरिया के अंदर है जहां आपको शोर नहीं मचाना, या फॉर एग्जांपल आप रात के टाइम पे अपने घर पे आते हैं और आप चाहते नहीं है किसी को डिस्टर्ब करना, तो आप इस साइलेंट बटन को जब ऑपरेट करेंगे तो इससे क्या है आपके जो भी लॉक या अनलॉक है ये जो फीचर्स हैं ये साइलेंट मोड के अंदर काम करेंगे। यानी जब आप लॉक करेंगे तो सिर्फ आपके इंडिकेटर्स ब्लिंक करेंगे, आपका कोई भी सायरन है वो ऑन नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ एक बार ही काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बार इसको प्रेस कर दिया, अभी हमारी कार देख लीजिए अनलॉक है, एक बार मैं प्रेस करूंगा तो हमारी गाड़ी लॉक हो जाएगी, ये देखिए ठीक है। और अब मैं एक बार अनलॉक करूंगा तो ये अनलॉक भी हो जाएगी, लेकिन अब अगर मैं नॉर्मल मोड में इसको लॉक करना चाहूंगा तो ये सायरन देगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक लॉक या अनलॉक के प्रोसेस के लिए ही काम करता है, एक बार आप इससे लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। गाइस अगर आप मेरी फाइनल वर्डिक्ट पूछे कि आपको आरडी ब्रांड की सेंट्रल लॉकिंग किट इंस्टॉल करानी चाहिए अपनी कार के अंदर या नहीं करानी चाहिए, मैं पास्ट 10 टू 15 डेज से इस कार की सेंट्रल लॉकिंग किट को यूज कर रहा हूँ, और एक तरह से आप इसको मेरा 15 डेज का रिव्यू की तरह काउंट कर सकते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये सेंट्रल लॉकिंग किट के अंदर कोई भी परेशानी नहीं हुई। इसके अंदर जो फीचर्स हैं, जो इसकी परफॉर्मेंस है, या फिर जो इसकी लॉक अनलॉक की स्पीड है, वो भी काफ़ी डिसेंट लगी मेरे को, जैसी नॉर्मल कंपनी फिटेड सेंट्रल लॉकिंग के अंदर आती है। और साथ ही साथ इसके अंदर कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स भी हैं, जैसे आप अगर मान लो अपनी कार को स्टार्ट करते हैं तो इसके डोर्स ऑटोमेटिकली 10 टू 15 सेकंड्स के बाद लॉक हो जाते हैं, और जैसे ही आप अपनी कार की की को इग्निशन से बाहर निकाल लेते हैं, अपनी कार को टर्न ऑफ कर देते हैं, तो आपकी जो कार है ऑटोमेटिकली अनलॉक भी हो जाती है। सो गाइज अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है या आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप मेरे चैनल परीक्षित चौहान को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट के लिए, और साथ ही साथ आप इस बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।